और अंदर ही आपको सबसे पहले दर्शन होते हैं श्री राम जी के, सीता जी के और लक्ष्मण जी के। 114 ट्रिपल बेडरूम है, तो यहाँ पर एक सिंगल, यहाँ पर एक डबल बेड का बेड आपको देखने को मिलता है और उसके ठीक सामने एक सिंगल बेड का बेड आपको देखने को मिलता है। एसी रूम ये भी है। तो अभी एक और रूम की तरफ चलते हैं, 4-बेडेड रूम। अभी अभी जस्ट पूरा तैयार हुआ है, साफ सुथरा क्लीनिंग होकर। एक डबल बेड का बेड इधर है, एक डबल बेड का बेड इधर है। एसी आपको स्प्लिट एसी बड़ी वाली दिखती है। तो एक डबल बेड के रूम की तरफ आए, 103 रूम नंबर है, आप देख सकते हैं। इधर अभी लोग स्टे कर रहे थे, मैंने किसी तरह से परमिशन लेके आपको दिखाने के लिए बस आया हूँ। और ग्राउंड फ्लोर पर आपको हॉल रूम भी मिलता है, हॉल रूम आपको दिखा दे, ये हॉल नंबर 3 है। और ये 10 लोगों के स्टे करने के लिए, एटलीस्ट कम से कम 10 लोग होने चाहिए। अब एक और हॉल रूम की तरफ चलते हैं, इसमें भी टाइल्स लगा था और इसमें भी टाइल्स लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये भी। और इसमें मेज आपको मिल जाता है, रैक है, 2 विंडो है, मैं नहीं है। अब चलिए एक और छोटे हॉल रूम की तरफ चलते हैं, और रूम नंबर 12 है ये, आप देख सकते हैं। ये उससे छोटा हॉल है, अगर कम लोग आ रहे हो तो इसमें आ सकते हैं। अभी पूछ लेते हैं कि कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं। ये इनकी यहाँ पर डोरमेट्री व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। ये चौकियाँ लगी हुई हैं, नंबर ऑफ चौकी कितनी है, कितनी चौकी वो पूछ लेता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। शिव जी की नगरी काशी से अभी मैं आया हूँ अयोध्या, राम जी की नगरी में, आपको घुमाने दिखाने सब कुछ बताने। और शिव जी की नगरी काशी में तमाम तरीके की ठहरने की व्यवस्था बताने के बाद आज आपको यहाँ पर भी ठहरने की व्यवस्था बताने वाला हूँ। काशी बनारस की वीडियोस जो ठहरने की है उसका आपको इधर पोस्टर दिखा दे रहा हूँ, लगा दे रहा हूँ। थंबनेल्स, इन थंबनेल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे जाकर चेक कर लीजिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी काशी में ठहरने की मिल जाएगी। आज अभी अयोध्या, जिसको कि साकेत भी कहते हैं, वहाँ पर सबसे कम में ठहरने की व्यवस्था बता रहा हूँ। 10 कदम चलकर आप सबसे कम में ठहर सकते हैं, बहुत ही चर्चित धर्मशाला है। मात्र 100 रुपये में आप ठहरना चाहें तो ठहर सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा, वहाँ पर अच्छा भी है। एसी रूम्स भी हैं, 4-बेडेड रूम्स भी हैं, आप अगर स्टे करना चाहते हो तो वहाँ स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक नया चैनल मैंने खोला है, जो कि यहाँ पर राम मंदिर दर्शन कराता है, उसमें आपको संपूर्ण डिटेल मिलेगी। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप उस नए चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको राम मंदिर, प्रभु राम लला के दर्शन कैसे होते हैं वो दिखाया गया है। उसके ही थोड़ा सा आगे हनुमानगढ़ी है, उसके दर्शन कैसे होते हैं प्रॉपर डिटेल में वो बताया गया है। उसके थोड़ा सा आगे दशरथ महल है, उस पर जहाँ जहाँ पर राम जी लोग और भरत शत्रुघ्न खेला करते थे, पले बड़े, वो दिखाया गया है। और उसके आगे थोड़ा सा कनक महल है, जो कि माता सीता जी को कैकेयी जी द्वारा मुँह दिखाई रस्म में उपहार स्वरूप मिला था। तो वो सब प्रॉपर डिटेल आपको न्यू चैनल पर मिलने वाली है। इस चैनल पर आप लोगों ने मुझे जीरो से हीरो बनाया है, अभी सुपर हीरो बनाना बाकी है, उस चैनल पर जीरो से हीरो बनाइए। और जानकारी ये देना चाहूँगा, ये आप अयोध्या जंक्शन देख रहे हैं, ये राम दरबार आपको बाहर दिख रहा है, ये पूरा जंक्शन है, ये पुराना जंक्शन है, अभी नया जंक्शन उधर बनने को तैयार है, स्टेशन पूरा आप देख सकते हैं, जूम कर दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये नया जंक्शन है, आप देख सकते हैं, एकदम इसका स्वरूप एकदम नए राम मंदिर की तरह दिया गया है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा नया राम मंदिर का स्वरूप है। और यहाँ से बस 10 कदम बोला है तो 10 कदम चलकर मैं आपको दिखा दूंगा। मेरी वीडियो में जब आते हैं तो एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको सभी तरह की जानकारी एकदम सही सही सटीक मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, यहाँ आप ट्रांसपोर्टेशन वाले 10 से 15 रुपये लेते हैं आपको राम मंदिर छोड़ने का। हालांकि आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप धर्मशाला से बस ये बगल में, ये रेड कलर की बिल्डिंग है, ये धर्मशाला की है, तो आप बस बगल में ही रहेंगे। और यहाँ से राम मंदिर की दूरी लगभग 5 मिनट से भी कम समय में, आप 5 मिनट में आप पहुँच जाएंगे, 5 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस बता रहा हूँ, 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, 5 मिनट या 7 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। बस सीधा जाना है, सीधा जाकर आपको जो लास्ट वाला राइट हैंड साइड है वो मैं डिस्प्ले पर लगा दे रहा हूँ, एक राजकीय अस्पताल आएगा, राम राम, उसका भी नाम राम राजकीय अस्पताल ही है। उससे राइट हैंड साइड पर आप मुड़ेंगे और मुड़ने के ठीक सामने आपको रामलला के दर्शन होंगे, और आप उसी के पास आपको बताया हनुमानगढ़ी और दशरथ महल और कनक महल है, थोड़ा सा आगे बढ़ ये धर्मशाला। देखिए चलते चलते आपको तमाम तरह की बातें बताते बताते मैं यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं ये पूरा धर्मशाला है, धर्मशाला कम मुझे तो कुछ कुछ सुविधाएं होटल जैसी लगी है, आपको दिखा देते हैं। और खास बात ये भी है कि यहाँ 24 घंटे वाला स्टे करने की सुविधा है, आप ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। और सबसे पहले आपको दर्शन करा दूँ प्रभु श्री राम जी के, यहाँ पर भी राम दरबार है, और सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ पर आरती और ये सब चीज़ें
भजन कीर्तन चलता रहता है। बेहद ही खूबसूरत दर्शन पहले आप कीजिए। ये पूरा परिसर है, आपको पूरा परिसर दिखा दूं। यहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, ऊपर रूम्स हैं। नीचे आपको हो सकता है उतना अच्छा ना लगे, लेकिन ऊपर रूम्स मेरे हिसाब से ठीक हैं, आप रह सकते हैं फैमिली के साथ। और अब चलते हैं, आपको जानकारी देते हैं, यहीं पर घुसते ही रिसेप्शन काउंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनका पूरा रिसेप्शन काउंटर है। अभी चलते हैं और आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। आइए अब नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, लिफ्ट नहीं है, लेकिन कैमरा सुबह की फैसिलिटी आपको मिलती है। उधर आपको वाटर कूलर देखने को मिलता है ऊपर, और ऊपर में एक और है, आप देख सकते हैं रूम नंबर 114 ट्रिपल बेडरूम है। तो यहाँ पर एक सिंगल, यहाँ पर एक डबल बेड का बेड आपको देखने को मिलता है, और उसके ठीक सामने एक सिंगल बेड का बेड आपको देखने को मिलता है। एसी रूम ये भी है और फैन लगाई हुआ है। और इधर अच्छा बात मुझे ये लगा कि वॉशरूम और लेट्रिन और बाथरूम दोनों अलग अलग है, इधर देख सकते हैं। तो इधर आप ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और साथ में बेसिन आपको इधर देखने को मिलता है, इधर आप वॉशरूम देख सकते हैं, और इधर रैक है, सामान वगैरह रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसका क्या प्राइस होगा? इसका प्राइस जो है, इसमें चार लोग रह सकते हैं, और इसका मिनिमम 850 रुपये। 850 रुपये एसी? नॉन एसी 850 रुपये में। ये 3 बेड का बेडरूम आपको मिलेगा 850 रुपये में, चार लोगों के लिए। और अगर आप इसको एसी में लेना चाहेंगे, एसी सुविधा लेना चाहेंगे, तो ये आपको 1300 रुपये में एसी सुविधा में चार लोगों के लिए उपलब्ध। ये रेट ऊपर नीचे तो नहीं होता है ना? नहीं, रेट ऊपर नीचे अभी नहीं है, और कभी जब बढ़ेगा तो संस्था बढ़ाएगी। हाँ, अच्छा। हाँ, मतलब ये कोई फ्लक्चुएट रेट नहीं होता है सीजन को देखते हुए कि दाम बढ़ा दे? जी, सीजन को देखते हुए दाम बढ़ा दे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मौका देख कर और कितना कमा लिया जाए। ये है कि कभी जैसे जरूरत को देखते हुए, कभी भविष्य में कभी बदलाव होता है तो उस तरह का कोई बदलाव होता है। तो अभी एक और रूम की तरफ चलते हैं, 4 बेडरूम। कैसा लग रहा होगा वीडियो? अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में करके बताइएगा ये आपको रूम कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा जो भी लोग अयोध्या दर्शन को आ रहे हो, ऐसे हेल्पफुल कंटेंट लोगों को मिले। और इधर 4 बेडरूम की तरफ आए, 109 रूम नंबर है। अभी जस्ट पूरा तैयार हुआ है, साफ सुथरा क्लीनिंग होकर। एक डबल बेड का बेड इधर है, एक डबल बेड का बेड इधर है। एसी आपको स्प्लिट एसी बड़ी वाली दिखती है, और फैन लगा हुआ है, मिरर है, और इधर विंडो भी है, इधर बालकनी एरिया है, वो भी आपको दिखा देंगे, और इधर भी बाथ एरिया और वॉशरूम एरिया दोनों अलग अलग है। इधर लाइट जला दूंगा आपको, ये इधर वेस्टर्न टॉयलेट है, इधर अभी थोड़ा और क्लीनिंग बाकी है, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। और इधर बालकनी एरिया है, अगर आप चाहें तो इसको भी खोलकर बालकनी एरिया में जा सकते हैं, कुछ कपड़े हो या कुछ ऐसा हो तो वो आप सुखा भी सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं सुखा रहे। बस ये स्टेशन, यहीं से स्टेशन आपको दिख रहा है, वो नया वाला स्टेशन, वो देखिए बनकर तैयार हो रहा है, और जब तक आप आएँ हो सकता है तब तक बनकर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये भी, और कैमरे वगैरह हर जगह इनके लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं कैमरे लगे हुए हैं। और आप इधर आइए, तो इसका क्या चार्ज होता होगा? ये 4 बेड का रूम है जी, 4 बेडरूम जी, और इसमें 5 मेंबर हम लोग अलाउ करते हैं। 5 लोग अलाउ करते हैं, छोटे बच्चे तो आ ही जाते होंगे, 5 के एक्स्ट्रा, 5 के एक्स्ट्रा 10 साल से जो कम एज के होते हैं जी, दे देते हैं। और क्या एक्स्ट्रा मैट्रेस भी आपको यहाँ पर लग जाता है? इसमें क्या है कि आप एक्स्ट्रा मैट्रेस अगर मांगते हैं जी, तो वो हम आपको उपलब्ध कराते हैं, उसका 50 रुपये एक दिन का चार्ज है। 50 रुपये एक दिन का चार्ज है, आप एक मैट्रेस लें, 2 मैट्रेस लें, लेकिन हमारे इस बेडरूम में केवल 5 मेंबर ही अलाउ। नॉन एसी में आपको ये 1000 रुपये का पड़ेगा, और एसी में 1600 रुपये माफ इसका किराया। 1600 रुपये एसी में है, और नॉन एसी यही इसी रूम को नॉन एसी कर दिया जाता है एसी बंद करके, वो आपने कितना बताया? नॉन एसी में आपका 1000 रुपये है, नॉन एसी में 1000 रुपये, और एसी में 1600 है। चेक इन टाइम चेकआउट 24 घंटे 24 घंटे का। फिर से बता दो जिनको नहीं पता, जिस वक्त आप आएंगे जिस समय से, उस समय से 24 घंटा काउंट होगा, और वो आपका एक दिन कहलाएगा। और मैट्रेस आप बिछवा सकते हैं, 50 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज है, 2 व्यक्ति इधर 2 व्यक्ति इधर, अगर एडजस्ट करने वाला कोई है तो 3 करके आप 50 रुपये भी बचा सकते हैं, और अगर एडजस्ट नहीं हो सकते तो 1 मैट्रेस आप 50 रुपये में ले सकते हैं।
तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अगर कोई क्वेरी हो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और शेयर कीजिएगा जो भी लोग अयोध्या दर्शन को प्रभु राम लला के दर्शन को आ रहे हों, जरूर जरूर शेयर कीजिएगा और जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम। तो एक डबल बेड के रूम की तरफ आए, 103 रूम नंबर है, आप देख सकते हैं। इधर अभी लोग स्टे कर रहे थे, मैंने किसी तरह से परमिशन लेके आपको दिखाने के लिए बस आया हूँ। और इधर आप अटैच्ड वॉशरूम देखते हैं, इसको वॉशरूम भी आप चेक कर लीजिए कैसा है। अभी क्योंकि स्टे कर रहे हैं तो थोड़ा मेसी सा होगा, और आपको इधर शावर वगैरह मिलता ही है, और इधर बेसिन है, वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है, और इसमें गीजर नहीं है। नहीं, अच्छा। और एसी रूम है ये, आपको एसी ऊपर सामने को देखने को मिलता ही है। तो इस रूम में कितने लोग स्टे कर सकते हैं? इस रूम में 3 व्यक्ति रह सकते हैं। 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति के लिए नॉन एसी में 600 रुपए का है ये, और एसी में 1000 रुपए का। अच्छा जी, क्योंकि अब सर्दी का समय आ रहा है तो लोग नॉन एसी ही प्रेफर करेंगे। यही रूम आपको मिलेगा, बस ये एसी बंद रहती है, तो आपको 600 में मिल जाएगा 3 लोगों के लिए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चेक इन टाइम चेकआउट 24 घंटे, जिस समय आप रूम लेते हैं ठीक उसी के 24 घंटे बाद इसका चेकआउट टाइम होता है। और गर्म पानी आपको ठंडी के समय, जब ठंडी शुरू होती है तो हमारे यहाँ गर्म पानी भी उपलब्ध होता है स्नान करने के लिए, जिनको नीचे हमारा बॉयलर लगा हुआ है, तो जितना भी पानी आपको चाहिए वो आपको उतना पानी मिलेगा। और स्नान करने के लिए आपको नीचे भी है हमारी सुविधा नहाने के लिए, और अगर आप अपने रूम से बाकेट लेके नीचे से लेके आना चाहें तो बाकेट में गर्म पानी लेके आके आप अपने वॉशरूम में नहा सकते हैं। अगर गीजर नहीं है तो ये सुविधा भी आपको साथ में मिल जाती है, 600 रुपए में 3 लोग स्टे कर सकते हैं सर्दी के समय में। इधर अलमीरा है आप देख सकते हैं, और बेड है, और विंडो भी है, तो सफोकेट भी नहीं होगा। इधर आपको विंडो भी देखने को मिल जाती है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट रूम की तरफ चलने से पहले यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। तो ये पूरा इनका प्रांगण है आप देख सकते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पर आपको हॉल रूम भी मिलता है। हॉल रूम आपको दिखा दे, ये हॉल नंबर 3 है, और ये 10 लोगों के स्टे करने के लिए एटलीस्ट कम से कम 10 लोग होने चाहिए। एक मिरर आपको दिखता है, लाइट है, और 2 फैन लगे हुए हैं, एक एग्जॉस्ट भी है, एक इधर भी विंडो है, तो बहुत ज्यादा सफोकेशन भी नहीं हो सकती आपको है। और सर्दी के समय ये बेस्ट रहेगा। इसका क्या चार्ज होता है? इसका चार्ज 1000 रुपए है। 1000 रुपए चार्ज, जिसमें 10 व्यक्ति रह सकते हैं। दस व्यक्ति रह सकते हैं और इसमें हम लोग गद्दे देते हैं। अच्छा। 10 लोगों के लिए 10 गद्दे लगाएंगे। अच्छा। और एक तकिया रहता है हर गद्दे के ऊपर। अच्छा। बेडशीट नहीं रहती है, उसको कवर सहित गद्दा रहता है। अच्छा। और इसके बाद भी अगर लोग इसमें और अधिक रहना चाहें तो एक व्यक्ति का 100 रुपए चार्ज बढ़ता जाता है। 100 रुपए पर हेड चार्ज बढ़ता जाता है। कम से कम 10 लोग होने चाहिए तब आपको ये हॉल मिलेगा। अब एक और हॉल रूम की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो कैसा हॉल रूम है। ये हॉल नंबर 3 है, ये हॉल नंबर 2 है, इसमें भी टाइल्स लगा था और इसमें भी टाइल्स लगा हुआ है आप देख सकते हैं ये भी। और इसमें मेज आपको मिल जाता है, रैक है, 2 विंडो है, मैं और इधर किधर मिरर है। मैं प्रेफर यही करूंगा कि अगर आप आ रहे हो तो इधर की तरफ आइए, क्योंकि ये मेन रोड का है तो ज्यादा आपको ऑक्सीजन, ज्यादा आपको वायु मिलेगी, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसमें भी 2 फैन लगे हुए, उसी तरह का हॉल ये भी है, तो इसका भी सेम चार्ज होगा। इसका भी सेम चार्ज है, 10 व्यक्ति इसमें भी रह सकते हैं, और आपको एक गद्दा हर व्यक्ति पे रहेगा, एक तकिया रहेगा। और इसके बाद अगर आप अधिक व्यक्ति इसमें बढ़ना चाहते हैं 10 लोगों से, तो पर हेड 100 रुपये फिर आपका इसमें बढ़ता चाहते हैं। वैसे ही ये भी है, और ये मेन रोड है, बस यही स्टेशन रोड है, बस स्टेशन बगल में है, 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है। अब चलिए एक और छोटे हॉल रूम की तरफ चलते हैं और उसका प्राइस आपको बताते हैं। और यहाँ बहुत ही बढ़िया राम दरबार है, देख रहे हैं आप, राम लक्ष्मण और सीता जी और बजरंग बली और गणेश जी, और ये हमेशा यहाँ पर कीर्तन भजन चलता रहता है सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। अभी एक इधर और दूसरे हॉल रूम की तरफ चलते हैं, आइए। ये भी ग्राउंड फ्लोर से है, नीचे से है। एक और हॉल रूम की तरफ आए, हॉल रूम नंबर 12 है ये, आप देख सकते हैं ये उससे छोटा हॉल है। अगर कम लोग आ रहे हो तो इसमें आ सकते हैं। अभी पूछ लेते हैं कि कितने लोग एडजस्ट हो सकते हैं। एक फैन लगा हुआ, रैक है, लाइट है, और इधर भी आपको विंडो मिलती है जो कि बाहर की तरफ से है, और ये स्टेशन रोड वाला विंडो है। तो इसमें कितने लोग स्टे कर सकते हैं? ये कॉमन रूम है जी, ये कॉमन रूम जब व्यक्ति को मिलता है जी, कम से कम 2 लोग, मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए। अच्छा, तब ये कॉमन रूम हम लोगों को देते हैं। तो क्या चार्ज है? 300 रुपए है, 300 मिनिमम 2 मेंबर पे 300 रुपए है। और उसके बाद जैसे व्यक्ति बढ़ते जाते हैं
अच्छा तो वही रेट है 100 रुपए पर हेड। कॉमन रूम के जो भी इनके रेट हैं वो 100 रुपए है मिनिमम का। बस एक क्राइटेरिया है, इसमें 2 लोगों को मिनिमम आना होगा तभी 300 रुपए की पर्ची कटेगी, उसके बाद पर हेड 100 रुपए बढ़ते चलेंगे। अब आप रूम्स की तरफ, और ये इनकी यहाँ पर डॉर्मेट्री व्यवस्था है, आप देख सकते हैं ये चौकियाँ लगी हुई हैं। नंबर ऑफ चौकी कितनी है, कितनी चौकी वो पूछ लेता हूँ। और क्या मैनेजमेंट होता है, लॉकर मेरे हिसाब से पीछे दिख रहा है, क्या लॉकर यही है? हाँ, लॉकर ये है और ये लोहे का ये लॉकर ये रहता है। अच्छा, ये लोहे का लॉकर है, इसमें लोग सामान रखते हैं अपना। अच्छा, इसमें लोग सामान रखते हैं। ये 100 रुपए व्यक्ति, 100 रुपए प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति का 100 रुपए। अच्छा, बस यहाँ ये बेड है इस तरह का, 100 रुपए में आपको एक चौकी मिलेगी, चौकी के ऊपर गद्दा रहेगा और एक तकिया रहेगा, एक तकिया रहेगा। हाँ, और आपको एक लॉकर मिलेगा, तो लॉकर की की उन्हीं को मिल जाएगी। हाँ, एक लॉकर पे एक चौकी रहती है। अच्छा, और किसी स्थिति में ज्यादा लोग हैं, अगर भीड़ आ गई है तो चौकी कम पड़ जाने की वजह से हम लोग नीचे भी अवेलेबल गद्दे करा देते हैं। अच्छा, नीचे मैट्रेस से गद्दा बिछा दिया, गद्दे लगा देते हैं, जिससे व्यक्ति को किसी भी, जो व्यक्ति मिनिमम कम से कम, जो लोग बहुत ज्यादा सक्षम ना हो और कम से कम में आ रहे हो, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो, तो आप यहाँ पर आकर प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर सकते हैं। ये 100 रुपए में फैसिलिटी दी जा रही है, इसका यही अर्थ है। और ये एक चीज जानकारी और देना चाहूंगा, यहाँ 24 घंटे वाला टाइम होता है, मतलब चेक इन चेकआउट का 24 घंटे होता है। जब से आप आएंगे उस टाइम से अगले दिन 24 घंटे जब पूर्ण होंगे तब आपकी चार्ज लगेंगे। बाकी यहाँ पर जितने भी मैंने चीजें कवर की हैं, वहाँ चेक इन चेकआउट का समय 12 बजे का है। आप कभी भी आएंगे आपको उस दिन में 12 बजे खाली करना ही होगा, तब वो एक दिन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये सुविधा यहाँ पर मिलती है। सामने कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग। अभी आपने जो हॉल दिखा है, दो तीन हॉल दिखा है, दो बड़े और एक छोटा, तो और ये इस, इन सब का लैट्रिन बाथरूम सब वही है, कॉमन ही रहता है, कॉमन ही रहता है। लेडीज का 4 टॉयलेट बाथरूम है और जेंट्स का भी 4 टॉयलेट बाथरूम है। 4 लेडीज का लैट्रिन बाथरूम और 4 जेंट्स का लैट्रिन बाथरूम है। तो इस तरह से आप मैनेज करना चाहें, जिन मैंने वैसे ही बता बताया, जिनकी स्थिति उतनी बढ़िया ना हो तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। बाकी इनके पास एसी रूम भी है, तो रूम सारे मैंने आपको दिखा दिए, इनके बजट फ्रेंडली से लेकर हाई रेंज के। अब बुकिंग कैसे होता है ये जानना चाह रहे होंगे आप सभी लोग, बुकिंग यहाँ पर कैसे होती है? बुकिंग के लिए आप सीधे अगर आते हैं हमारे पास में तो भी आप अगर रूम खाली है ले सकते हैं, अगर उपलब्ध है तो, और हमारा फोन से भी बुक होता है। हमारा मोबाइल नंबर है 888-1533-000, इसके भी आप बुकिंग करा सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है, कोई एडवांस नहीं लेते हैं हम लोग, और सबसे खास बात तो ये है कि हम लोग कोई ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, ऑनलाइन कोई भी पेमेंट या एडवांस ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं। आप अपने फ़ोन के माध्यम से हमारे नंबर पर सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बुकिंग करवा सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। उसका जो भी चार्ज होता है वो फोन से हम आपको जानकारी देते हैं और आने पर ही हम आपसे वो पेमेंट कराते हैं। एडवांस हम लोगों का किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या एडवांस पेमेंट का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पर आने के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकता है? हाँ, नहीं, अभी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का हमारे यहाँ अभी नहीं हुआ है। हाँ, अभी ऑनलाइन ट्रांसफर का मनी का अभी कोई हमारे यहाँ सुविधा नहीं हुई है, आपको कैश ही लाना होगा। हाँ, अभी आपको कैश पेमेंट ही लाना पड़ेगा, और अगर ऐसी कोई सुविधा होती है भविष्य में तो उस सुविधा से हम लोग आपको अवगत कराएंगे। बताना चाहूंगा ये धर्मशाला सन्यासी जी की तरफ से है, आप देख सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो जनता से, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को भी रोका गया है। और आप बता रहे थे यहाँ पर चेकिंग चेकआउट का कैसा प्रावधान, कैसा नियम है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी धर्मशाला एक संस्था के माध्यम से चलती है, श्री रघुवीर ट्रस्ट, श्री राम बालक दास गुजराती धर्मशाला श्री रघुवीर ट्रस्ट, ये हमारी संस्था है श्री रघुवीर ट्रस्ट, जो इसको सूरत से संचालित करती है। और ये आपको बुकिंग का हमने आपको बताया, और इसके बाद में चेक इन, आप जो चेक इन चेकआउट का टाइम है, जिस समय आप हमारा रूम लेते हैं और उसके 24 घंटे के बाद आपका वही समय चेकआउट का है, वही समय चेकआउट का होता है। अगर कोई अपने वाहन से आ रहा हो तो वाहन पार्किंग की तरफ से, देखिए अभी तो वाहन पार्किंग के लिए कुछ हमारे ये सामने आप देख रहे हैं थोड़ी सी जगह है पार्किंग की, तो
छोटी गाड़ियां पार्क करा देते हैं, बाकी बड़ी गाड़ियों के लिए आपको खुद ही स्टेशन पर स्टैंड मिल जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन, हमारा अयोध्या जंक्शन जो रेलवे स्टेशन सबसे करीब में है, सबसे करीब आप रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन से बाहर निकलते ही मात्र 50 मीटर की दूरी पे हमारी श्री राम बालक दास गुजराती धर्मशाला पड़ती है। और यहाँ से आपको सारे मंदिर भी करीब में है, श्री रामलला के दर्शन यहाँ से आप मात्र वॉकिंग डिस्टेंस भी जा सकते हैं, 5-7 मिनट में आप जी पहुंच जाएंगे। और उसके बगल में आपके उसी के बगल में ही आपका जो है श्री दशरथ महल है, श्री हनुमान गढ़ी मंदिर है और श्री कनक भवन मंदिर है, ये सब वॉकिंग है। रूम्स कितने आपके यहाँ पर हैं? और हमारे यहाँ अटैच रूमों की संख्या 17 रूम है, अटैच रूमों की संख्या 17 है और कॉमन रूम हमारे 5 कॉमन रूम है और हॉल और 2 बड़े हॉल है जिसमें से एक हॉल और है जो हमारा ऊपर के फ्लोर पे है जी। और डॉर्मेट्री फैसिलिटी है, जैसे जो व्यक्ति सामान रख के रामलला के दर्शन करने के लिए जा सके कुछ ही घंटों के लिए, तो वो डॉर्मेट्री सुविधा ले सकता है जो मात्र 100 रुपये में है, लेकिन यह सुविधा केवल एक सिंगल व्यक्ति के लिए है डॉर्मेट्री, जिसको हमारे यहाँ रूम नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए हमने डॉर्मेट्री सुविधा रखी है और ये कम से कम में है। और जो आर्थिक तौर से कमजोर रहते हैं, सक्षम नहीं है रूम लेने में, तो उनके लिए सिंगल पर्सन के लिए ये डॉर्मेट्री सुविधा अच्छा है। और यह खिचड़ी व्यवस्था भी आप बता रहे थे। और हमारे यहाँ ये 1992 जब से हमारी संस्था ने ये ट्रस्ट का निर्माण किया है और ये हमारी संस्था शुरू हुई है, तो तब से ये हमारे यहाँ अनावरत, जब से ही अनावरत हमारे यहाँ ये खिचड़ी का खिलाने का ये हमारे यहाँ चल रहा है, भंडारा चलता है खिचड़ी का, ये निःशुल्क है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है, ये चलता है, ये सुबह के टाइम में 10 बजे से लेके 11 बजे तक है और शाम के टाइम में 6 बजे से लेके 7 बजे तक ये खिचड़ी का, कभी खिचड़ी बनती है तो कभी खिचड़ी है और सब्जी बनती है और महीने में 2-3 भंडारे भी हो जाते हैं जो हमारे संस्था की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रहते हैं। 2 टाइम इनका भंडारा चलता ही है, सुबह भंडारा या खिचड़ी सेवा जो भी कर लीजिए सुबह और शाम को, और बीच का समय अमावा मंदिर का है, आप अमावा मंदिर में भी वो सुविधा निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। बस एक आपको आईडी लानी है, आधार कार्ड और जमा करेंगे और आपको एक पर्ची भरनी है और अमावा में भी आप जाकर खा सकते हैं, जो कि 11 से 3 बजे तक की टाइमिंग होती है। उस पर एक वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे चेक कर लीजिएगा। और कम से कम में अगर 100 रुपए में कोई रहना चाहता है तो वो डॉर्मेट्री सुविधा, हाँ हाँ डॉर्मेट्री सुविधा है 100 रुपए में, चेक इन चेक आउट 24 घंटे का है जी, स्नान करने के लिए कॉमन टॉयलेट बाथरूम है और लेडीज का अलग है जेंट्स का अलग है, गर्म पानी की सुविधा है, ठंडी में आपको गर्म पानी की सुविधा मिलेगी, आप पूरी ठंडी में गर्म पानी जितना भी लेना चाहे आप अपने रूम में ले जाके भी स्नान कर सकते हैं, नीचे भी आके आप स्नान कर सकते हैं कॉमन में, बस ये है कि आपको बाकेट से अपने रूम में गर्म पानी को लेके जाना। और 2 RO वाटर कूलर भी है इनका, एक नीचे और एक ऊपर के लिए। तो वीडियो कैसी लग रही होगी बताइएगा, इनका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, वैसे तो इन्हें बताया भी है, आप डायरेक्ट कॉल करके बात करके कंफर्म करके आ सकते हैं। ऑनलाइन किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन, चाहे यहाँ पहुंचकर चाहे आपको उधर से जहाँ से आप आ रहे हो, किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये आपके लिए ही बेहतर है क्योंकि आप आके सीधा पेमेंट करके रसीद लेकर जा सकते हैं। और बात बात में मैं इनसे नाम ही पूछना बताना भूल गया कि इनका नाम क्या, आपका नाम क्या जी? अवध किशोर कुशवाहा जी है। आप आके डायरेक्ट बुकिंग कीजिएगा और फोन नंबर से कोई क्वेरी करना चाहते हो तो वो क्वेरी आप कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा, बहुत हेल्पफुल है ये मेरे हिसाब से, गरीबों के लिए तो और भी ज्यादा हेल्पफुल है। 100 रुपए में आपको स्टे करना यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन होगा, क्यों जी? जी 100 रुपए में आप स्टे नहीं कर सकते हैं, इसलिए जरूर शेयर कीजिएगा जो भी लोग रामलला के दर्शन को आ रहे हैं। चलिए धन्यवाद।